अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं लाइफ विद सामिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन मैक्रोनी। तो चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मेरे पास यहाँ पर बॉयल की हुई मैक्रोनी है 3 कप्स, यानी कि 200 ग्राम मेरे पास मैक्रोनी है। और यहाँ पर मेरे पास चिकन है 1/2 कप, जिसको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है, मतलब लंबाई लंबाई में। और गाजर है हमारे पास जूलियन कट हुई हुई, यानी कि लंबाई में कटी हुई, और 1 कप। और प्याज भी हमारे पास स्लाइस में कटा हुआ है, यानी कि लंबाई में कटा हुआ है 1/2 कप, यानी कि एक छोटा साइज़ का प्याज। और हमारे पास बंद गोभी है, ये मैंने 1 कप यूज़ की है, ये भी लंबाई में कटी हुई है, लंबी लंबी से मैंने यूज़ की है, वो भी बहुत पतली काट के। और हमारे पास आधा बड़ा साइज़ का मेरे पास टमाटर था, तो मैंने उसको 1/2 टमाटर यूज़ किया है, और एक हरी मिर्च यूज़ की। यहाँ पर मेरे पास एक बिल्कुल छोटी साइज़ की शिमला मिर्च थी, जिसको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। और हमें जो मसाले चाहिए उनमें है 1 टीस्पून नमक, यानी कि नमक, और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, और साथ में ही हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। और जो हमें सॉस चाहिए उनमें मेरे पास है सोया सॉस 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, सिरका भी 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, और चिली सॉस यानी कि हॉट एंड सॉस सॉस जो है वो भी 1 टेबल स्पून ही यूज़ करेंगे। साथ ही हमारे पास तेल है, जो हम हस्बैंड ज़रूरत यूज़ करेंगे, यानी कि मैं जो यूज़ करूँगी वो 3 से 4 चम्मच तेल यूज़ करूँगी। तो चलते हैं हम पकाने की तरफ। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट जो हूँ वो ऑयल डाल दूँगी एक कढ़ाई के अंदर। तो ऑयल जो मैं यूज़ करूँगी वो 3 से 4 चम्मच होगा, यानी कि जो टेबल स्पून होती है वो 3 से 4 हम ऑयल यूज़ करेंगे। और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो ये रही मेरे पास चिकन, और हम इसको ऑन होने के लिए रख देंगे। तो हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है और मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी है। अब मैं इसके अंदर जो हूँ वो प्याज ऐड करूँगी, फिर चिकन ऐड करूँगी। तो प्याज मैं ऐड कर रही हूँ, जो मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज इसके अंदर यूज़ की है। तो इसको अब हम बस हल्का सा सौते करेंगे, ताकि अपना हल्का सा कलर चेंज कर लें। फिर हम इसके अंदर गाजर यूज़ करेंगे, और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज तो फर्स्ट में ही ऐड होती है, लेकिन गाजर पकने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हम गाजर को और चिकन को एक साथ ही यूज़ करेंगे। तो इसने अब बस अपना हल्का हल्का सा कलर चेंज कर लिया है, आप देखें, ये देखें, ये वाइट वाइट बेबी पिंक कलर की हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने गाजर। तो यहाँ पर मेरे पास गाजर है 1 कप। जूलियन कट आप बहुत खूबसूरत लगता है मैक्रोनी वगैरह के अंदर, जब आप जूलियन कटिंग यूज़ करते हैं तो वो बहुत प्यारी लगती है, यानी कि वो खाने में, वो नज़र आने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो आपने इनको बिल्कुल भी लो फ्लेम पर अब नहीं पकाना, क्योंकि हर सब्ज़ी का अपना पानी होता है, सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी वरना। तो ये थोड़ा सा हम सौते करेंगे इसको, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऑयल है, तो ये बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगी इसकी। तो ये मैंने चिकन ऐड कर ली है, और अब मैं इसको अच्छी तरह सौते करूँगी, जब तक चिकन वाइट ना हो जाए। तो अब चिकन भी अपना कलर छोड़ चुकी है, और अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे अपने मसाले, यानी कि डालेंगे। तो मसालों में जो मेरे पास नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर था, ये सब की क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब आपने तमाम मसाले ऐड करने हैं और इनको मिक्स करना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इनको ऐसे ही पकाऊँगी। तो जब ये थोड़े मसाले दूसरे के ऊपर लग जाए, तो फिर आप इसके अंदर यूज़ करेंगे शिमला मिर्च और अपनी जो टमाटर और जो बंद गोभी हम ऐड करेंगे वो फिर हम ऐड करेंगे। अब हमने थोड़ी देर सबको सौते किया है, और अब हम इनके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जो मैंने आधी शिमला मिर्च यानी कि एक बिल्कुल छोटी साइज़ की शिमला मिर्च काटी थी, और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, और साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें जो हमने काटी थी वो भी ऐड कर देंगे, और बंद गोभी भी ऐड कर देंगे, और फिर इन सबको दम पे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सब्ज़ियाँ आपस में सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो इन सबको मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसके अंदर कैबेज यानी कि बंद गोभी यूज़ कर रही हूँ। तो जूलियन कटिंग में मेरे पास बंद गोभी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था,
ये बहुत खूबसूरत लगती है। और अब बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इनको किया है और अब मैं इनके अंदर सॉसेज ऐड कर रही हूँ। तो सॉसेज में मेरे पास ये सोया सॉस है, ये मैं 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगी, ठीक है। तो नमक फिर आप चेक कीजिएगा कि कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं है, ठीक है। तो 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही हम सिरका यूज़ करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर हॉट सॉस यानी कि चिली सॉस यूज़ करेंगे। तो 1 टेबल स्पून सिरका यूज़ कर दिया। अगर सिरका आपको कम पसंद है या आप खट्टाई ज़्यादा नहीं यूज़ करते तो आप सिरका कम यूज़ कीजिएगा। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ चिली सॉस, हॉट सॉस यानी कि जो चिली सॉस होता है, तो ये भी 1 टेबल स्पून हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी, ठीक है। और मिक्स करने के बाद हम इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। तो सब्ज़ियाँ मिक्स करने के बाद हम दम पे छोड़ते हैं इसे, और फिर दम से वापस आके जब मैं 3-4-5 मिनट इनको दम पे छोड़ के जब तक सब्ज़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाती फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब हमारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं। मैंने इनको थोड़ी देर के लिए यानी कि 4 से 5 मिनट मैंने इनको ढक के पकाया, फिर जो इनका पानी था उनको ऊँची आँच पर सुखाया, और बस फिर हमारी सब्ज़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। और अब हम इसके अंदर अपनी मैक्रोनी ऐड कर रहे हैं, जो मैंने बॉयल करके मैक्रोनी रखी थी। मैंने जो मैक्रोनी यूज़ की है वो थी ट्विस्टेड मैक्रोनी, और इसको जो कुकिंग टाइम था यानी कि इसको जो बॉयल करने का टाइम था वो था 5 to 7 मिनट्स। तो मैंने इनको 5 to 7 मिनट्स ही कुक किया है, फुल कुक मैक्रोनी है। और अब आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से फ्लेम आपकी लो टू मीडियम हो और आपने इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है अच्छी तरह बिल्कुल। तो अब ये मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है, इनको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। आप देखें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं इनको सर्व करके दिखाती हूँ और मैं इनका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। तो ये हमारी मज़े मज़े की मैक्रोनी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लाइफ विद सामिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। और फिर अल्लाह हाफिज़।